Venerable Acharya Shri and his Prabuddha Sangha, brothers and sisters, let me first appreciate the step taken by the community for the arrangement of this seminar and the caption, perhaps in general, Yoga Sadhana. Now, I have changed a bit my caption of this paper and made it Historicity of Jain Sadhana and its comparative study with other Indian traditions. Now here, it's a very, very wide subject. Okay. It's a very, very wide subject. It is rather very, very difficult to combine all the Indian traditions. Therefore, I undertook only the Patanjali Yoga Shastra representing Vedic Yoga Sadhana. हम और आप ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि योग साधना का जैन संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान है. इट्स ए प्रोमिनेंट प्लेस इन जैनिज्म. एंड योग इज आई शुड से ए पिवोटल पॉइंट एलिमेंट ऑफ जैन फिलॉसफी, जैन स्पिरिचुअलिटी. और इसके आधार पर हम ये देखेंगे कि जैन परंपरा ने किस प्रकार से योग साधना की दृष्टि हमें दी और किस प्रकार जैन परंपरा अन्य परंपराओं से प्रभावित हुई. इट्स ए मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. बिफोर आई गो अहेड, आई वुड लाइक टू से वन थिंग, वन पॉइंट. Until and unless we go through stratifications of the philosophy or history or yoga sadhana, whatever that may be, we cannot understand Jainism properly. Therefore, I undertook the subject historicity of Jain yoga sadhana. अब ये जब हम stratification पर जाते हैं तो हमें पाते हैं कि जैन योग साधना फर्स्ट प्री आगमिक पीरियड, सेकेंड आगमिक पीरियड, थर्ड मिडिवल पीरियड एंड द फोर्थ वन मॉडर्न पीरियड. यू जस्ट डिवाइड देम इनटू फोर स्टेजेस. नाउ द प्री आगमिक पीरियड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. प्री आगमिक व्हाई? बिकॉज वी हैव द स्टेपिंग स्टोन ऑफ जैन योग साधना इन प्री आगमिक योग साधना. हाउ? यू जस्ट सी, the point is, what is the historicity of Jainism? Because it is interlinked with historicity. And if we go through the archaeological evidence, through the historical evidence, through the literary evidence, we find that Jain Yoga Sadhana was very, very much popular during 3-4 हजार ईस्वी पूर्व, जिसे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी और हड़प्पा. यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि किस प्रकार से जैन योग साधना होती थी. एंड द रिप्रेजेंटेटिव टोर्सो इज, वो जो आपको मिलता है, इसके हाथ नहीं है, नेकेड वन, टोर्सो नहीं, नॉट मथुरा, कंकाल, नो, एक लोहा, नो, नॉट लोहानीपुर, इट इज इन सिंधु घाटी एंड हड़प्पा. हाँ, जस्ट आई गिव यू, सॉरी. हाँ,
राइट सो इट रिप्रेजेंट्स जैन योग साधना. नाउ अनदर पॉइंट कम्स टू माई माइंड. सम स्कॉलर्स दे आर ऑफ व्यू दैट इट्स नॉट ए जैन स्टैचू, इट्स नॉट ए जैन आइडल. व्हाई? ऑन द शोल्डर्स we have seen that holes are there. On both sides of shoulders, we got holes. And it's a point out that the holes may be, that may be a toy of, a sort of toy. यहाँ उसको बांध देते होंगे और इस तरह से कह देंगे. My point is, it's not toy. That was the art and architecture, a sort of art and architecture. वहाँ ये हाथ नहीं लगाए जा सकते थे, इसीलिए होल्ड करके उनको कस करके और हाथ लगा दिया जाता था. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन मे बी. सो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जैन योग साधना का the earliest form we find in Harappa. Now next, you come to Haryana, and that Haryana, I just, it's a Agmik, Rakhi Gadi. In Rakhi Gadi, in Haryana, Haryana mein lagbhag waisa hi एक टोरसो हमको मिला है, और वो भी 3000 ईसा पूर्व का है. वो इसी तरह से आप देखेंगे उसी क्रम में ऐसी बहुत सारी, एक ही नहीं है, कई जगह इस प्रकार से मिली हैं. आगे चल करके आप देखेंगे लोहानीपुर, और आगे चल के आप देखेंगे तो फिर मथुरा आता है. मथुरा तो एक ऐसा है जैसे कंकाली टीला जिसको कहा जाता है. कंकाली एक्चुअली यू वॉन्टेड टू नो दी, आई मीन दी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंकाली. कंकाली एक देवी होती थी, और वो कंकाली देवी जैन देवी नहीं थी. जैन देवियों में लेटर पीरियड में कंकाली भी देवी के रूप में माना गया. आई एम नॉट गोइंग टू से समथिंग अबाउट द यक्षिणी एंड देवी एंड सो ऑन, लेकिन ये इम्पैक्ट था वैदिक देवी का जो वहाँ पर कंकाली इन लेटर पीरियड में भी अबाउट 10th century. और वो कंकाली टीला में 1st century से लेकर के 10th century तक सारी की सारी आर्ट आर्किटेक्चर भरा पड़ा है. एक ट्रेजर है इंफॉर्मेशन का. नाउ सेकंड पॉइंट आई वुड लाइक टू स्टेट, अभी हम श्रीलंका गए, मुश्किल से 15-20-25 दिन हुए हैं. And I got very, very good, very valuable information. You might be knowing the Mahavans, one of the greatest chronicle, Buddhist chronicle. Mahavans mein 10th chapter mein humko milta hai, before the advent of Buddhism, there was an existence of Jainism. Yahan tak, this is a sort of literary evidence. उसके बाद आई विजिटेड द आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट टोल्ड मी दैट वी हैव स्टार्टेड द वी हैव डन द एक्सकेवेशन इन अनुराधापुर. अनुराधापुर, पुलन्नरुआ और रतनपुर, दीज वर 3 सेंटर्स इन श्रीलंका, जैन सेंटर्स है. बौद्ध धर्म के पहुंचने के पहले ये 3 सेंटर बहुत बड़े सेंटर थे जैन धर्म के. और अनुराधापुर के एक्सकेवेशन में जो मिला है वो ये महत्वपूर्ण है, जैन वृक्ष उन्होंने नाम दिया है. महावंश में जो हमको मिलता है कि चैत्य थे, चैत्य मीन्स चैत्य, स्तूप, और वो जो स्तूप थे वो जैन स्तूप थे. और जैन स्तूप पांडुका भाई ने
उन स्तूपों को खड़ा किया, ज्योति और गिरि निघंटों को वहाँ पर आश्रय दिया, चैत्य बनाए, स्तूप बनाए, और उसके बाद फिर पासा पलटा और वो सारे के सारे जैन चैत्य स्तूप और 500 जो जैन फैमिलीज थी दे वर टोटली डिस्ट्रक्टेड। तो वो जो एक्सकेवेशन में 88 में जो एक्सकेवेशन किया गया, उस एक्सकेवेशन में जो ब्रिक्स मिली हैं जैन चैत्य की, उनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ श्रीलंका उन्होंने जैन ब्रिक्स नाम दिया। और आज स्थिति यह है कि श्रीलंका में ये रेडियो कॉरोम के अनुसार 9th century BC में वहाँ पर जैन चैत्य और स्तूप थे। इसका तात्पर्य कम से कम यह है कि 9वीं-10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म वहाँ प्रोमिनेंटली स्थापित था। दूसरी बात, हम और आप इस बात की शायद कुछ लोग कल्पना नहीं कर पाते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना के पहले ही वॉज द फॉलोअर ऑफ पार्श्वनाथ ट्रेडिशन नॉट ओनली तथागत बुद्ध बट हिज एंटायर फैमिली। इसीलिए आप देखेंगे कि पाली लिटरेचर ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है जैनिज्म को कि उसके आधार पर जैन धर्म की ऐतिहासिकता सिद्ध हुई बौद्ध धर्म के पहले। अदरवाइज वेबर ने कहा था कि इट इज नथिंग बट एन ऑफशूट ऑफ बुद्धिज्म। 1884 में जैकोबी ने ऑन द बेसिस ऑफ पाली लिटरेचर ही एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट जैनिज्म इज नॉट एन ऑफशूट ऑफ बुद्धिज्म बट जैनिज्म एन इंडिपेंडेंट रिलीजन। और ये चीज अनुराधापुर में ही एक्सकेविशन में मिली है। नाउ द थर्ड पॉइंट आई एम कमिंग टू, श्रीलंका में एक श्रीपाद पीठ है और श्रीपाद पीठ को हरिवंश पुराण में एक उल्लेख मिलता है कि श्रीलंका में पर्वत पर सुमतिनाथ के चरण। ये जो श्रीपाद पीठ है ये एस्टेब्लिश हुई 5th century AD में, 5th century AD में, और इसको बना दिया तथागत बुद्ध के चरण। अभी हम गए करीब 5,500 सीढ़ियाँ चढ़ करके, नाउ आई एम 80, 5,500 सीढ़ियाँ चढ़ करके स्ट्रेट गए और वहाँ पर हमने देखा। एक्चुअली आई वॉज वेरी मच एंग्शियस टू सी दी हाउ, तो उसको हम जब हमने देखा तो देखा कि उसको दे फुल्ली कवर्ड, यू कांट परसीव इट, पूरा बंद कर दिया उसको और उसके ऊपर चरण बुद्ध के चरण कर दिए। ये श्रीपाद पीठ के चरण जो मूल रूप से मेरे दृष्टि में जैन तीर्थंकर के चरण थे वो बुद्ध के चरण बन गए। उसको इस्लाम ने भी स्वीकार किया, क्रिश्चियनिटी ने स्वीकार किया और आगे जब स्वतंत्र हुआ तो शायद हमारा ख्याल है व्हाट आई गॉट द इंफॉर्मेशन 60-65 में उसको बंद कर दिया और उसके ऊपर तथागत बुद्ध के चरण हुए। नहीं, इस्लाम का कंसेप्ट गया, क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट गया और जैन धर्म का तो कोई स्थान ही नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं उसमें। तो ये मेरा ये कहना है कि पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक पॉजिटिव रेफरेंस यदि कहीं जैन हिस्टोरिसिटी का मिलता है जैनिज्म का, इट इज श्रीलंका।
आज भी अनुराधापुर, पुलन नरुआ और रतनपुर जिसमें श्रीपाद पीठ है, इसको हमें जैन सेंटर्स के रूप में डेवलप करना चाहिए। एक चीज, नाउ दिस इज जस्ट आई वांटेड टू पॉइंट आउट द हिस्टोरिसिटी ऑफ जैन योग साधना। नाउ आई एम कमिंग टू आगमिक। आगमिक पीरियड, पूरे हमारे पास एक आगम है और इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू कमेंट ए बिट। ये जो आगम है, हम और आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आगमों में एडिशंस और ओमिशंस हुए हैं, दैट इज बट नेचर। ये एडिशंस और ओमिशंस अप टू 5th century AD चलते रहे। यू कैन इमेजिन इन द सूत्र कृतांग वी फाइंड दैट रामगुप्त, एक जहां वो आचार्यों के नाम है, ऋषियों के नाम है, वहां रामगुप्त शब्द का प्रयोग हुआ है। हाँ, जस्ट आई एम कमिंग टू पॉइंट। नाउ पॉइंट इज वेदर इट इज रामगुप्त और रामपुत्र, दो पाठ हमको मिलते हैं, रामगुप्त और रामपुत्र। आई अंडरटुक द वर्ड रामगुप्त। रामपुत्र एक ऋषि हुए हैं, इसी भाषित सूत्रम में भी रामपुत्र आया है, लेकिन आप, मैं समझता हूं कि 6th chapter का शायद 22वीं गाथा है, उसमें रामगुप्त भी मिलता है। हाउ इट अपियर्ड, मे बी रामगुप्त, बट रामपुत हाउ इट इज अपियर्ड। हाँ, अब रामगुप्त जब आया है तो हम ये मान के चलते हैं कि दिस इज एन एडिशन एन ऑल्ट्रेशन। यदि गुप्त होता है तो वो गुप्त साम्राज्य में सूत कृतांग आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज ट्रू दैट देर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन आचारांग लैंग्वेज एंड सूत कृतांग लैंग्वेज, आचारांग फिलोसफी एंड सूत कृतांग फिलोसफी। इन सब के बावजूद मेरा सिर्फ एक कहना यह है कि स्टिल the period is to be decided of all these agmas. हम जब आचारांग पढ़ते हैं और सूत कृतांग पढ़ते हैं तो दोनों में बहुत अंतर दिखाई देता है भाषा का, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि आगमिक पीरियड में योग साधना एक अपने प्रारंभिक रूप में थी और यहां पर व्रतों के अलावा और दूसरी चीजें नहीं थी। व्रत की चीजें हमको मिलती हैं और आगे चल करके एक्चुअली मैं एक बात कहना चाह रहा था, कुछ शायद में भी रदर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये जो आगम है, आई एम टेलिंग बोल्डली, ये जो आगम है, एक तरफ दिगंबर कम्युनिटी ने कह दिया कि आगम का लोप हो गया और दिगंबर कम्युनिटी का जो दृष्टिवाद पर आधारित जो आगम है, श्वेतंबर कम्युनिटी ने कह दिया कि ये आगम लुप्त हो गया। 1-2, 1-2, तो व्हाट इज द मीनिंग? मेरी दृष्टि में ना आगमों का लोप हुआ है और ना दृष्टिवाद का लोप हुआ है। यू प्लीज, आई थिंक आई दोनों का लोप नहीं हुआ। और आप देखेंगे यदि सिंसियरली पढ़ें, मैं तो एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं
कि दिगंबर आचार्य श्वेतांबर आगमों को पढ़ें और श्वेतांबर आचार्य दिगंबर आगमों को पढ़ें, दृष्टि एकदम खुल जाएगी। दुख की बात है कि कोई नहीं पढ़ता। और यदि आपको जैन धर्म पढ़ना है, जैन धर्म समझना है, तो जब तक आप श्वेतांबर आगमों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक दिगंबर आगम दिगंबर ग्रंथ नहीं समझ सकते। जब तक दिगंबर ग्रंथों को नहीं पढ़ा जा सकता, श्वेतांबर ग्रंथ नहीं समझ सकते। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक मूवमेंट होना चाहिए कि तब एक यूनिटी भी आएगी और एक लिटरेरी फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में एक नया मानदंड स्थापित होगा। तो मैं ये कह रहा था कि आगमिक पीरियड में आप देखेंगे कि योग का आज जो हमको रूप मिल रहा है वो आगमिक पीरियड में नहीं है। आगमिक पीरियड में व्रत उपवास तप इतना ही रूप मिलता है हमको। और सबसे पहले यदि योग शब्द का प्रयोग हमें मिलता है तो कुंद कुंद की पाहुड़ दोहा में मिलता है। इसके पहले योग शब्द का प्रयोग हमको नहीं मिला। आगे चल करके आप देखें परस मुख पाहुड़, मुख पाहुड़, मुख पाहुड़ देखू शायद छठवीं सातवीं गाथा है। आगम में नहीं, आई टोल्ड यू वेरी क्लियर। आगम में, आगम का एक बहुत बड़ा इसे वाइड स्कोप, किस आगम में मिलता है और इसका पीरियड कब है। हम अकेले ये नहीं कह सकते हैं कि आगम में मिल रहा है तो आगम में मिल रहा है। आचारंग में नहीं मिलता हमको, योग शब्द का प्रयोग आचारंग में नहीं मिला। तो इन सब चीजों को आप देखेगा। अच्छा है कुंद, इट स्टार्ट्स विथ कुंद कुंद। मेरा मतलब यह है, आगे चल करके आप देखिए। मैं क्या कह रहा था, आई फॉरगॉट द पॉइंट। हाँ, नाउ कम टू द सेकंड स्टेज, माध्यमिक। ये जो मध्यकाल है, मिडिवल पीरियड है, मिडिवल पीरियड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टेजेज ऑकर्ड इन जैनिज्म। मध्यकाल में पता नहीं एक कौन सा ऐसा मध्यकाल था कि जहाँ दर्शन का विकास हुआ, योग का विकास हुआ, इतिहास का विकास हुआ, आचार्यों का विकास हुआ, सारा का सारा विकास मध्यकाल में हुआ। और मध्यकाल में आप देखें तो जैन आगम पीरियड में आसन का कोई उल्लेख नहीं है। जैन पीरियड आगमिक पीरियड में प्राणायाम का कोई उल्लेख नहीं है, नासाग्र दृष्टि को छोड़ करके। नासाग्र दृष्टि, लेकिन जैसे अब नासाग्र दृष्टि है, पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, ये तो कुछ चीज़ें हैं जो एक अलग हैं, ये उसमें आप इंक्लूड ना करें। लेकिन आप ये देखेंगे कि आसन जो जिसे अपन फिजिकल एक्सरसाइज कहते हैं, वो आसनों की बात हमको आगम पीरियड में नहीं मिलती। इट स्टार्ट्स विथ शुभचंद्र। आसनों का प्रयोग आचार्य शुभचंद्र ने अपने ज्ञानार्णों में किया है पहली बार। प्राणायाम का प्रयोग ज्ञानार्णों में किया गया और ज्ञानार्णव के बाद आचार्य हेमचंद्र ने उसको और एक्सटेंड किया और उसमें आसनों का भरपूर प्रयोग किया गया। तो इन चीजों पर हमें डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा। और मध्यकाल में तो धर्म ध्यान पर जो चिंतन हुआ है, जो हरिभद्र ने किया है, मार्वेलस, यूनिक एक्चुअली। The developmental in yogic sadhana, it is starts with Harivadra. Harivadra ने योग दृष्टि से बच्चा नया शब्द दिया दृष्टि, उन दृष्टियों का वो आप देखें। और हाँ, जो मैं भूल गया था, देखिए पातंजल योग साधना जो हमको मिलती है, ये पातंजल योग साधना, पतंजलि का what is the period of पतंजलि? पतंजलि को किसी भी कीमत पर फर्स्ट सेंचुरी एडी के पीछे नहीं ले जा सकते। और फर्स्ट सेंचुरी तक जैन धर्म बहुत अच्छी स्थिति में था।
पतंजलि के योग सूत्र में आप देखेंगे कि पार्श्वनाथ ट्रेडिशन का और तीर्थंकर महावीर के जो प्रारंभिक जो योग चरण हमको मिलते हैं वो पूरे के पूरे पतंजलि में आपको मिल जाएंगे। व्रतों की आप तुलना करें तो बिल्कुल डिक्टो कॉपी जैसी हमको मिलती चली जाती है। आगे जो मध्यकाल है वो मध्यकाल की स्थिति फिर दूसरी हो जाती है। जस्ट तो ये इट्स ए अब इसमें कंपेरेटिव में हम थोड़ा सा आई मेड ए चार्ट एंड आई थिंक आई हैव टेकन मच टाइम। इसमें हमने योग काइंड्स ऑफ योग अथॉरिटी ऑफ योग स्पिरिचुअल डेवलपमेंटल स्टेजेज अब इसमें इट्स ए मोर रेलिवेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज डिस्कस्ड इन जैनिज्म थ्रू जीवस्थान मार्गनास्थान गुणस्थान एंड भव आई कांट से मच अबाउट मे बी कंपेयर्ड विथ विवेक ख्याति प्रातिव ज्ञान विथ स्वसंवेदन ज्ञान अंतरात्मन विथ केवल कैवल्य प्रागभार परमात्मन विथ कैवल्य अवस्था यम व्रत विथ अनुव्रत आसन विथ आसनाज स्थिर दृष्टि विथ प्रत्याहार प्रतिशलीनता विथ प्रत्याहार एकाग्र सन्निवेशन विथ धारणा असंगानुष्ठान विथ प्रशांत वाहित शांत एंड दांत विथ स्थित प्रज्ञा शुक्ल ध्यान विथ धर्म मेघ समुद्घात क्रिया विथ बहुकाय निर्माण क्रिया सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति एंड समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाति विथ असंप्रज्ञात समाधि मिथ्यात्व गुणस्थान विथ क्षिप्र चित्त एंड मुदित चित्त मिश्र गुणस्थान विथ विक्षिप्त चित्त 13th एंड 14th गुणस्थान विथ निरुचित्त लब्धि एंड रिद्धि विथ विभूति सिद्धिज एंड विथ ऐश्वर्याज कर्म संपदा विथ विभूति और लब्धि। सो दिन इट्स ए दी पेपर कंप्राइजेज नियर अबाउट 25 पेजेस। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंसाइज टू गिव यू इन कंसाइज मैटर बट आई वुड लाइक टू से जस्ट ए वन मिनट। अभी हमने देखा कि आचार्य ऋषि ने शराब के विषय में बताया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक प्रोजेक्ट लेना चाहिए और वो प्रोजेक्ट हो तीर्थंकर महावीर ने जो पदक्रमण किया जहाँ जहाँ किया अत से लेकर के इति तक उन सारे स्थानों की यदि ऐतिहासिक यात्रा की जाए और वो एक दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक आपको एक जैन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि जो गांव हमको मिलते हैं वो गांव आज छिन्न भिन्न हो गए या नामांतरण उनका हो गया लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या हिस्टोरिकल एविडेंस हमको क्या मिलते हैं। पूरा का पूरा यदि एक, एक, एक बड़ा भारी ग्रंथ तैयार हो तो इसमें वेस्ट बंगाल भी आएगा उत्कल भी आएगा इधर आपका बिहार भी आएगा और इन सब में उस समय का पूरा एक लिखा जोखा मिलेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पैसा पानी जैसा बहता है पंच कल्याणकों में इधर उधर और यदि सब्सटेंशलिटी लाना है तो हमें इस प्रकार से कोई एक एकेडमिक अप्रोच लेकर के कुछ नए क्रम हमें देना पड़ेंगे और इसमें यदि हम कुछ कर सकें तो मैं समझता हूँ कि जैन इतिहास के लिए एक बहुत 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 बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद।